Okay. No. Let me go to the folder. The code of Python में, students में, Yogesh. ये आपका folder, ठीक है? Oh, sorry, connect नहीं हुआ क्या? So this is your folder. Am I right? Go to JavaScript. We have a local server. Okay? Go to local server. Right click. Hit bash here. Local JavaScript. JavaScript folder ka andar local server hai na? JavaScript folder mein local server nahi kya? Aapne latest code liya hai kya? कब लिया? मेरा 24th को किया मैंने. 24th का आपने लोकल आपका नहीं आया क्या? है ना अंदर JavaScript का अंदर. Okay, go inside local server. देखिए, right click, git bash here. ये command थोड़ा ध्यान से देखिए. JSON server, ठीक है? -- watch db.json. देखिए जेसन सर्वर -- वॉच db.json. हाँ अनुवा क्या कमेंट दिया था? जी अब अपना सिस्टम शेयर कीजिए योगेश. आप वहीं से शेयर कीजिए ना. अरे जेसन यार JSON JSON iPhone server iPhone watch db.json. आपको इंस्टॉल करना है. इंस्टॉल नहीं किया आपने? मैं डायरेक्टली कमांड चेक करूं? हाँ नहीं लेकिन आपको भी इंस्टॉल करना है. देख लीजिए. लेट मी शेयर द स्क्रीन. ये देख लीजिए npm install -g json server. ये कमांड आपको भी रन करना होगा. आपका गिट बैश नहीं आ रहा है क्या? ठीक है तो कमेंट प्रॉम्प्ट कैसे जाएंगे तब?
आपका फोल्डर कहाँ है? कमेंट प्रॉम्प्ट में जाकर आप अपना जेसन फोल्डर में जाइए। सो npm रन होने लगा, ठीक है। नाउ यू कैन आप कमेंट प्रॉम्प्ट से जहां आपको फोल्डर है वहां आपको रिडायरेक्ट करना है। आपको जावास्क्रिप्ट फोल्डर डेस्कटॉप में है क्या? कहां है? सो कमेंट प्रॉम्प्ट में वो फोल्डर को नेविगेट कीजिए। ये दीजिए, ठीक है। आपका कमांड प्रॉम्प्ट ये रहा, ओके। सो इसमें से कौन सा फोल्डर में जाना है मुझे? योगेश, सी डी योगेश, ELS, इसमें जावास्क्रिप्ट, सी डी जावास्क्रिप्ट प्लस, इसमें ठीक है, पूरा फाइल तो नहीं है। हाँ, इसमें कल चार फाइल्स ही है। डेस्कटॉप में योगेश होने नहीं है, डेस्कटॉप में ये वाले ना। सो मुझे डेस्कटॉप वाला योगेश जाना पड़ेगा ना मैडम। तो सी डी स्पेस डॉट CD space dot now ls, ठीक है। अभी मुझे जाना पड़ेगा डेस्कटॉप, CD डेस्कटॉप। हाँ दिनेश चपंडी, हाँ चपंडी ला ना, रेप कर दमा। हाँ मॉर्निंग ही వచ్చండి, నేను పింగ్ చేస్తాను, నేను ఒక 9:30 అట్లా వచ్చాను। ఓకే షూర్ షూర్, ఓకే ఓకే ఓకే, ఈస్ బ్యాక్ సిడి యోగేష్ నవ్ ఎల్ఎస్। అచ్చా ఇస్మే ముందు జానా హోగా సిడి జావాస్క్రిప్ట్। In this, I need to go to Ajax, CD Ajax. Okay, but क्यों नहीं जा रहा है CD Ajax? आपने caps J रखा, मैंने रखा ना। Okay, now I am in Ajax folder. No LS. ठीक है, तो local server तो बाहर है, तो मुझे बाहर आना पड़ेगा। अब ls में है, अभी मेरा लोकल सर्वर यहाँ है। सो cd local, अभी मैं लोकल सर्वर के अंदर हूँ, ठीक है। यहाँ टाइप करना होगा json server --watch db.json, तो कमांड नॉट फाउंड आएगा। सो npm install json server
माइनस जी देना होगा, इट विल गेट इंस्टॉल ग्लोबली. परमिशन देना पड़ेगा क्या? क्या कमेंट देना होगा परमिशन देने के लिए? पासवर्ड तो नहीं पूछ रहे ना, तो कैन यू रन दैट कमेंट देन? हाउ टू रन? तो परमिशन दिया क्या आपने? एज एडमिन यू हैव टू रन दैट, राइट? क्या एरर आ रहा है? इसका मतलब परमिशन नहीं, आपने रन तो करना चाहिए ना. You need admin access. Missing write access. Permission denied. Now run the command, previous command. नहीं, एरो प्रेस कीजिए, टॉप एरो. इंडियन बैंक का टॉप एरो. One more time. Yes, enter. Yes. Now your server is up. Now you can click on that link, you will get the data. Users, can I? Localhost 3000 users. Control का ऊपर क्लिक कर कर यू कैन क्लिक दैट. हेलो, हाँ इंकाला इंको ऑफ नॉट बटच వచ్చిందా? గ్యాస్ నాకు చెప్పాలి కదా నువ్వు. బాయ్. డన్. డు యు వాంట్ మీ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్? ఓకే. You don't need to install, but running command you have to do. JSON server hyphen hyphen watch db.json. Don't worry, main pura record kar raha hu, you can refer that. I will give you the video. I know that. Okay.
Let me stop. रियल टाइम में कंपनी के अंदर हमें ये सभी करना जरूरी नहीं है. सर्वर गिरवन उन लोग सभी बैकएंड वाला अपना काम कर देगा. जावा वाला आपको एक लिंक देगा जो दिखे ऐसा दिखेगा. सो दिस काइंड ऑफ लिंक दे विल गिव यू. वी डोंट नीड टू इंस्टॉल npm इंस्टॉल जेसन सर्वर npm रन जेसन सर्वर. ये सभी हमें करना जरूरी नहीं है. दे विल टेक केयर अबाउट ऑल दोस थिंग्स. We will get the APA. इसको कहते हैं कि we call it as an APA. We will get an APA like this, where we will be posting the data, which I am going to do right now. So let me go to this folder. Assignments. Jack's made क्या? Okay. Now I will create one more folder. Sample 3. Sample 3 crab.html. So I've created a file like this, code space. So my sample 3 crab is blank now. Okay? I am going to create 3 fields form. In this 3, what I am going to have, मैं यहाँ से ले लो HTML. HTML तो आपको clear है ना? वो problem नहीं है ना? So when I run, I have this two, right? So add user function create करना है. ये page में करूँ? Or do you want me to create new page? New page. Create one.js. ठीक है ना? I will rename it 3 ताकि match होगा. Sample 3 और create 3. ठीक है? Go to HTML. इसको close कर दीजिए. Go to HTML, below this form, script, source, create, 3.js, right, go to this file, function, add user, this function will take the values from HTML, try to post it to the server, no. Where person equal to 2 fields. What under those 2 fields? First name, last name. F name, L name. For F name, I will be getting the value like this. Document dot get element by ID. F name dot value, comma. Document dot get element by ID L name value, and I log this person. Okay, now let's go and check, are we getting the values or not? Are you clear up to this? Okay. Now we need to post this data to server. And one thing, to post the data server, I am writing 8 lines of code. XML, HTTP request, on ready state chain. वो आप entire life में कभी भी use करने वाला नहीं है. We can be happy. You are not at all going to use in your entire life. Nobody is going to ask you to write the code to post the data to server.
कुछ भी नहीं है. देर आर सम शॉर्टकट्स आर देर, ओनली वन आर टू लाइन्स वी आर गोइंग टू राइट. बट हाउ दैट वन आर टू लाइन्स आर गोइंग टू वर्क टू अंडरस्टैंड, यू शुड बी फेमिलियर विद दिस. एंड नाउ आई एम आई कैन एबल टू राइट दिस 8 लाइन्स ऑफ कोड. आई हैव डिड दिस 1000 टाइम्स जस्ट लाइक इम्पोजिशन फॉर एवरी स्टूडेंट आई एम टेलिंग. सो इमेजिन फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स even 100 student per year 500 times to maine easily kiye honge. So I am just writing because I am familiar with this. So in your case you should know there is some method is there to communicate with the server. This entire 8 lines of code you are not going to write, but you need to understand. Okay, now let me create a function post data to server. You need to send this to this. So post data to server. Once you capture, you need to send. So I have captured. Then I call this function. Inside this function, I am sending this data. Okay. Now, where send info equal to new XML HTTP request, send info dot on ready state change equal to a function which will check send info dot ready state equal to 4 and send info dot status equal to 1, because you are posting the data. So if it is successful, console log user added successfully. Okay, now send info dot open, what is the method you are using? Post. And which is the URL you want to post the data? This is the URL. Okay. Now there is one more this thing also. We need to set the headers. This is the line content of file posting. You need this line. Okay. Then send info dot send. While sending, I need to json.stringify the person. Okay, I am done. What is this error? Line number 18. Okay. After this, send info. Yes. Okay. So perfect. It's added. And just refresh and check. It's added here. Okay. Are you clear up to this? Now when the page loads for the first time, I need to get the data from the server. Okay, so let me create one more file, read3.js. Okay, function get data from server, and call this function immediately. And this file supposed to add it to here. Source get data from server dot some mistake then. Read 3.js. Huh?
So just to check, yes, okay. Now here we need to write the function to get the data. क्या मैं यहां से पूरा कॉपी करूं? Do you want me to write each and every line? आप कहने कॉपी द एंटर कोड, ठीक है? तो मैं एक ही करूंगा, इंस्टेड ऑफ पोस्ट यूजर आई एम गोइंग टू चेंज गेट यूजर, रिप्लेस एवरीथिंग. आई डोंट नीड दिस सेट हेडर, दिस इज नॉट पोस्ट नाउ, दिस इज गेट नाउ. Once you get the data, what we need to do is data equal to get user dot response. This supposed to convert into JSON format. JSON dot parse. Just convert this. Console this. User is not defined. Line number 10. There is an issue. Yes. ये तो जरूरी नहीं है ना? You are not posting, right? It's a blank. Perfect. लेकिन data क्यों नहीं आया? क्योंकि ये 201 नहीं है, ये 20 है. 200 होना चाहिए था. When you get the data, you have the data. Any doubts so far? Sure. Now I'm going to create a function called function display data. This function I am going to call from here. कहाँ डिस्प्ले हो रहा है? वो तो कंसोल में डिस्प्ले हो रहा है ना. ब्राउजर में कहाँ डिस्प्ले हो रहा है आपका? कंसोल में डिस्प्ले हो रहा है. सो अभी ब्राउजर में हमें डिस्प्ले करवानी है. सो डिस्प्ले करने के लिए फॉर्म का नीचे लेट्स हैव वन हॉरिजॉन्टल लाइन, लेट्स हैव वन टेबल, लेट्स हैव वन टी हेड, हेड का अंदर टी एच, ईमेल फर्स्ट नेम है ना, फर्स्ट नेम, देन TH, last name, then TH, edit, TH, delete. Let's have a bottom. Okay, now in read, what I'm going to do. अभी टेबल में टेबल रोज नहीं है, ओनली टेबल हेडिंग ही है. वी नीड टू क्रिएट द टेबल रोज, राइट? आई एम गोइंग टू क्रिएट ए फॉर लूप फॉर आई इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन फाइव, आई प्लस प्लस. सो हाउ मेनी टाइम्स दिस फॉर लूप इज गोइंग टू रन? फाइव टाइम्स. वेयर माई टी आर इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट, सॉरी create element here. ये तो आपको पता है, which is equal to the row which we create in the HTML. Now, what I am going to do, I am going to give a t body. इसको मैं एक ID दे देता हूँ, my table. Now, document dot get element by ID. My table dot append child my tr. अब चेक कीजिए कि कितना tr क्रिएट हुआ इसमें. 5 tr तो जरूर क्रिएट होगा, बिकॉज दो वो जो लूप स्टेटमेंट है ना, इट माइट हैव बीन रन फॉर 5 टाइम्स, राइट? ठीक है, क्लियर सो फॉर? थैंक यू. नाउ I'm going to create TDs for this. क्योंकि first name, last name दिखाने के लिए मुझे TD चाहिए, right? Where
TD1 equal to document dot create element TD1 dot inner HTML equal to data of I dot fname. Now mytr dot append child TD1. क्योंकि एक ही TDA क्रिएट किया ना मैंने, तो मुझे उसको और एक बार रिपीट करूंगा. आई एम गोइंग टू रिपीट द सेम थिंग बट दिस टाइम आई एम गोइंग टू चेंज TD2. आई एम गोइंग टू TD2 एंड दिस शुड बी एल नेम. आई डिड सम मिस्टेक. व्हाट माइट बी द मिस्टेक? एल नेम बराबर है. Oh, sorry, it should be TD2. Perfect. Now I need to display edit and delete. So I'm going to where edit TD equal to document dot create element TD. TD के लिए, edit के लिए एक TD है. Where delete TD equal to document dot create element डिलीट के लिए एक टीडी है. ठीक है ना, ये दोनों टीडी टीआर में ऐड होना चाहिए. माय टीआर डॉट अपेंड चाइल्ड एडिट टीडी, माय टीआर डॉट अपेंड चाइल्ड डिलीट टीडी, दोनों टीडी ऐड हो गए. ठीक है सुरेश, है गुम हो गए कहीं? समझा नहीं. अपेंड चाइल्ड मतलब ये किया है कि आपने एक एलिमेंट क्रिएट किया, उसको कहाँ रखना है आपको? टीडी तो टीआर अंदर का जाना चाहिए ना, इसलिए मैंने टीआर का अंदर टीडी रख रहा हूं. ओके, नाउ एडिट टीडी के अंदर एक बटन रखना है, डिलीट टीडी के अंदर एक बटन रखना, तो मैं वो क्रिएट करने जा रहा हूं. वेयर एडिट बटन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट बटन, एडिट बटन डॉट इनर HTML इक्वल टू एडिट अभी ये बटन जाएगा टीडी के अंदर. Edit TD dot append child edit button. Same repeat होगा delete के लिए. आप ये करो, ये तीनों लाइन पेस्ट करो यहां. अभी इसको चेंज कर दूं. गलत मैंने कहा किया, हाँ डिलीटेड है ना, लेकिन अभी फिलहाल इसको ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग फंक्शनलिटी ऐड नहीं किए, जो हो मैं अभी ऐड करने जा रहा हूं. एडिट बटन डॉट सेट एट्रीब्यूट on click edit user, yes. Delete button dot set attribute on click delete user. लेकिन ये नो, ये दो फंक्शन तो नहीं है हमारे पास, तो हमें क्रिएट करना होगा. फंक्शन
Facebook user is Carl. If I click edit, edit user code, delete, delete user code. तो अभी edit और delete करने के लिए I need to send the request to server. Can I do that? Or do you want to practice until this? Stop the